हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है दोस्तों आप लोगों का टेक्निकल जीनियस चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों देखो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मेरे पास एक डेबिट कार्ड है जो कि एक प्लेटिनम डेबिट कार्ड है। इसका दोस्तों आज हम पिन जनरेट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि यहाँ पे तीन प्रोसेस अवेलेबल है पिन जनरेट करने का, एक मोबाइल एप्लीकेशन से, एक नेट बैंकिंग से और एक है एटीएम से। तो दोस्तों को मैं आज की जो प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ एटीएम के माध्यम से बताने वाला हूँ कि एटीएम के अंदर कैसे हम पिन जनरेट करते हैं। तो चलो दोस्तों मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, लेकिन दोस्तों उससे पहले की बात कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखो मेरे पास सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मेरे पास ये एटीएम कार्ड है प्लेटिनम का। आपको दोस्तों क्या करना है, आपको एटीएम मशीन पे जाना है, उसके बाद दोस्तों आपको एटीएम कार्ड इंसर्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, एटीएम कार्ड को हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। जैसे दोस्तों हम यहाँ पे एटीएम कार्ड इंसर्ट करते हैं कुछ इस तरीके से आपके पास इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, आपको दोस्तों सबको इग्नोर मारना है, आपको इसके अंदर जाना है डोमेस्टिक में। यहाँ पे आप देख सकते हो, जूम करके आपको दिखा देंगे कि यहाँ पे डोमेस्टिक में हमें जाना है। तो यहाँ पर डोमेस्टिक में हम चले जाते हैं। दोस्तों जैसे आप डोमेस्टिक वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, इंग्लिश या फिर हिंदी, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल वो लैंग्वेज आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिलहाल मैं यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट करूंगा, इंग्लिश दोस्तों मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे चार पांच आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो मेन मेन्यू, फॉरगेट पिन, ग्रीन पिन और एग्जिट। हमें दोस्तों क्या करना है कि एटीएम कार्ड का पिन जनरेट करना है, तो हम उसके लिए क्या करना है, हमें जाना है ग्रीन पिन में। तो हम यहाँ पे ग्रीन पिन वाला ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। इस पर दोस्तों जैसे आप क्लिक करते हो यहाँ पर लिखा है काइंडली जनरेट ओटीपी एंड द सिलेक्ट सेट पिन ऑप्शन टू सेट योर डेबिट कार्ड पिन। तो दोस्तों यहाँ पर डेबिट कार्ड का पिन हमें सेट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, ओटीपी जनरेट करना है। सबसे पहले ओटीपी दोस्तों जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर ओटीपी आएगा, तो हम यहाँ पे ओटीपी जनरेट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ओटीपी जनरेट वाला ऑप्शन पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कह रहा है प्लीज इंटर योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर टू रिसीव ओटीपी। हमें दोस्तों यहाँ मोबाइल नंबर एक जो है यहाँ पे कह रहा है इंटर करने के लिए ताकि ओटीपी उस पर आएगा, तो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करेंगे जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। तो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर जो इंटर कर देते हैं, दोस्तों जो आपके बैंक खाते हैं मोबाइल नंबर होगा वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे इंटर करना है। देन दोस्तों आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है, हम यहाँ पे कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे दोस्तों आपके कस्टमर आईडी और आपको जो है सीआईएफ नंबर यहाँ पे आपको डालना होगा। तो सीआईएफ नंबर दोस्तों मैंने ऑलरेडी सीआईएफ नंबर मैंने निकाल रखा है, अगर दोस्तों सीआईएफ नंबर आपको नहीं पता है तो दोस्तों यहाँ पे आई बटन पर उसकी वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ पे देख लेना। तो हम यहाँ पे सीआईएफ नंबर यहाँ पे इंटर कर देते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे सीआईएफ नंबर मैंने यहाँ इंटर कर दिया है, हमें यहाँ पे क्या करना है, कंफर्म कर देना है। यहाँ लिखा गया ओटीपी इज सक्सेसफुली सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। दोस्तों हमें क्या करना है कि अब हमारे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आ गया, और उसी ओटीपी के माध्यम से हम यहाँ पे पिन को जनरेट करेंगे। फिलहाल हमारे पास यहाँ पर्ची निकल गया, पर्ची अभी फिलहाल हम यहाँ पे साइड में रख देते हैं। देन दोस्तों आपको क्या करना है, आप सिंपली आपको इसको बाहर निकालना है। ठीक है, आपको डेबिट कार्ड को यहाँ से बाहर निकालना है, डेबिट कार्ड को हमने यहाँ से बाहर निकाल दिया, ओटीपी हमारा जनरेट हो गया। अब वही ओटीपी हम यहाँ पे इंटर करके पिन को जो है जनरेट करेंगे। दोबारा आपको इसके अंदर इंसर्ट करना है, इंसर्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे डोमेस्टिक पे अगेन जाना है, अगेन जो वो प्रोसेस मैंने आपको बताया सेम वही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। ठीक है, आपको ग्रीन पिन पे जाना है। उसके बाद दोस्तों देखो यहाँ पे ऑप्शन मिल गया आपको ओटीपी जनरेट और यहाँ पे मिल गया सेट पिन, हमने यहाँ पे जनरेट कर लिया ओटीपी, हमें यहाँ पे जाना सेट पिन पे। ठीक है, सेट पिन पे हम जाते हैं। यहाँ दोस्तों कह रहा है कि इफ यू हैव रिसीव्ड ओटीपी देन प्लीज इंटर टू कंफर्म हियर। ठीक है, तो दोस्तों जो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे है वो ओटीपी आपको यहाँ पे इंटर करना है। ओटीपी दोस्तों 10 मिनट के लिए वैलिड रहेगा, तो 10 मिनट से पहले पहले आपको ओटीपी यहाँ पे आपको डालना है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको कंफर्म करना है, कंफर्म करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कह रहा है प्लीज इंटर ओटीपी, दोस्तों यहाँ पे आपको ओटीपी डालना है। दोस्तों ओटीपी डाल दिया है, ओटीपी डालने के बाद आपको अगेन यहाँ पे कंफर्म करना है। जैसे दोस्तों आप कंफर्म कर दो, यहाँ पे कह रहे दोस्तों ओटीपी वैलिडेशन सक्सेसफुली। ठीक है, हमारा जो ओटीपी दोस्तों वैलिड सक्सेसफुली यहाँ पे वेरीफाई हो गया है, प्रेस कंफर्म टू सेट योर पिन। तो दोस्तों हमें यहाँ पे पिन सेट करना है, तो यहाँ पे हमें कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद दोस्तों देखो यहाँ जो मेन मुद्दा जो वाली बात जो दोस्तों जो मेन प्रोसेस हमारा पिन जनरेट का यहाँ पे आ गया, दोस्तों प्लीज इंटर योर न्यू पिन। दोस्तों यहाँ पे आपको पिन डालना है और यहाँ पे आपको इंटर करना है पिन। ठीक है, तो पिन हम यहाँ पे इंटर करेंगे, जो भी दोस्तों आपको पिन जनरेट करना है 4 डिजिट का वो आपको पिन इंटर करना है। उसके बाद दोस्तों अगेन यहाँ पे कह रहा है
प्लीज री इंटर योर न्यू पिन। दोस्तों वही आपको पिन दोबारा यहाँ पे एंटर करना है। हमने यहाँ पे पिन एंटर कर दिया है। एंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ कह रहा है थैंक यू योर डेबिट कार्ड पिन वॉज सक्सेसफुली। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोस्तों यहाँ पे जो हमने अपना जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो हमारा डेबिट कार्ड था, जो कि प्लेटिनम कार्ड था, उसका पिन हमने कैसे इजी तरीके से हमने जो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया कैसे पिन को हमने जनरेट किया है। तो दोस्तों इस माध्यम इस प्रोसेस से आप दोस्तों अपने एटीएम कार्ड का पिन जो है जनरेट कर सकती हो। तो दोस्तों देखो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। और दोस्तों अगर आपको पता नहीं है कि सीआईएफ नंबर कैसे जनरेट करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आपको आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो का लिंक दोस्तों वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर दोस्तों आप जाके देख सकते हो कैसे सीआईएफ नंबर वहां पे जनरेट करते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ।